हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस पर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं SBI के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशन के अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ से जाके। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं हम पोस्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पोस्ट अवेलेबल हुआ है कलेक्शन फैसिलिटेटर के लिए, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये पोस्ट अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो हैं 1438 वैकेंसीज, यानी कि 1438 वैकेंसीज इस पोस्ट में अवेलेबल हैं। इनके बारे में दोस्तों हम नीचे डिटेल वाइज बात करेंगे। आइए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रहा है वो 22/12/2022, यानी कि 22 दिसंबर 2022 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की वो है 10 जनवरी 2023, यानी कि 10/1/2023 इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। देखिए दोस्तों, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इसमें देख सकते हैं हम किस किस के बारे में आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसमें पोस्ट नेम और वैकेंसीज के बारे में, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और सिलेक्शन प्रोसीजर ऑब्वियसली बात है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, जैसा देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये ग्रुप ए के लिए ग्रेड दिए गए हैं और टोटल वैकेंसीज दी गई हैं किस पोस्ट में कहाँ डिवाइडेड। ये सर्कल दिया गया है आपको कि कहाँ कौन से लोकेशन पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in के आर्टिकल में देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है। ऐसे ही ग्रुप बी में ये पोस्ट डिवाइडेड है, ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं सर्कल ऑफिसर और स्टेट देख सकते हैं और वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी खाली है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इनके क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नो स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस जानते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज बाय SBI रिक्रूटमेंट 2022, रिटायर्ड पर्सन शुड हैव सफिशियंट वर्क एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल पोजिशन कॉम्पिटेंस इन रेलिवेंट एरिया, यानी कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनका सफिशियंट वर्क एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए काफ़ी है। जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पॉइंट्स हैं कुछ, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, द रिटायर्ड ऑफिसर्स स्टाफ शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक सर्विस ओनली अपॉन अटेंडिंग सुपरिटेंशन एट द एज ऑफ 60, यानी कि जो रिटायर्ड ऑफिसर बैंक के हैं वो जो बैंक सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एंगेजमेंट शैल बी मैक्सिमम अप टू एज 65, यानी कि 65 की एज तक आप इस पोस्ट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही करके कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं हमारे इस आर्टिकल से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट रहेगा पीरियड का। देखिए मिनिमम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और मैक्सिमम होगा आपका 3 ईयर्स का। ठीक है, और कैंडिडेट की एज 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या सैलरी पे की जाएगी, देखिए कलर्शियल जॉब के लिए जो सैलरी पे की जाएगी वो होगी 25,000 पर मंथ के लिए, JMGS1 के लिए होगी 35,000 मैक्सिमम, MMGS के लिए होगी और MMGS3 के लिए होगी 40,000 पर मंथ की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो आपका CV से शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद मेरिट बेस्ड पे निकाला मतलब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई करने का प्रोसेस जानते हैं। देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि SBI के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट की प्रोसेस वहीं पर फिलअप करने होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप ये नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कॉल फॉर इंटरव्यू कैसे होगा, देखिए इन्फॉर्मेशन कॉल लेटर इंटरव्यू विल बी सेंड ईमेल और
विल बी अपलोडेड ऑन बैंक वेबसाइट। या तो जब आप सिलेक्ट हो गए होंगे तो या तो आपको मेल करके बुलाया जाएगा, नहीं तो इनका इनके पोर्टल पे आप इसके बारे में अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस देख सकते हैं, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे रीड आउट रीड थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in के लिंक से मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ हमारे चैनल्स हैं, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए, GST के न्यूज़ के लिए, जजमेंट्स के न्यूज़ के लिए। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें गूगल न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी दोस्तों मेंबरशिप भी है, आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके इससे बेस मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, बेसिक डिटेल्स ले सकते हैं हमारे मेंबरशिप से। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, आप उस सर्टिफिकेट कोर्स में बहुत सारी डिटेल्स ले सकते हैं, जैसे सैप के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी देंगे हम आपको, और साथ ही साथ GST के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, हाउ टू फाइल GST, इन सब की भी आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो मेंबरशिप डिवाइडेड है वो 3 पार्ट्स में है, बेसिक, एडवांस और प्रीमियम में। आप इनकी प्राइसिंग के साथ साथ इनके बेनिफिट्स देख सकते हैं, इनके साथ ही साथ कि इसमें किस में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।